वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। महिला को तेज दर्द उठने पर परिजन उसे अस्पताल ले जाने के लिए वाहन की तलाश करते रहे, लेकिन जब तक 108 पहुंची तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मृत महिला को 108 वाहन से लेकर परिजन खाते गांव अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर के अभाव में उन्हें कन्नौद की ओर रवाना होना पड़ा। शाम 7 बजे कन्नौद पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने यह कहते हुए महिला का पीएम नहीं किया कि सतवास से महिला चिकित्सक आएगी, वही उसका पीएम करेगी, इसलिए पीएम सुबह होगा। परिजन रात भर अस्पताल के बरामदे में पड़े रहे, तब कहीं जाकर दूसरे दिन सुबह 1 बजे मृतक का पीएम हो पाया। यह पूरा घटनाक्रम देवास जिले के खाते गाँव के आदिवासी बाहुतुल्य ग्राम पटरानी में घटा, जहां प्रसूति के पेट के दर्द के कारण तड़पती रही रीना पति प्रकाश उम्र 36 वर्ष गुरुवार शाम को मौत हो गई। गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने से उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया, अन्यथा जच्चा बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। मृतिका बेहद गरीब परिवार की महिला है, उसके 3 बच्चे हैं। जच्चे बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दुखद पहलू यह है कि मृतक महिला का शव 18 घंटे तक पीएम के लिए अस्पताल के मर्चरी भवन में पड़ा रहा। इस दौरान परिजन भूखे प्यासे तड़पते रहे। वो क्या डिलीवरी पेट में था तो थोड़ा सा पेट दर्द करा। अच्छा। और घबराहट सी हुई। अच्छा। तो हमने सोचा 108 में लगा दे। अच्छा। तो मैंने कि 108 तो बाद में आएगी, अपन गांव की गाड़ी कर ले। गांव की गाड़ी करने का और 108 में फिर घर के उन्होंने फोन लगा दिया, हम गए उतनी देर में गांव के और के पास, 2-4 झने के पास गया गाड़ी वाले के, तो कोई ने नहीं सुना हमारी बात। वैसे गाड़ी जिनके पास वाहन है उनके यहाँ गए आप? हाँ गए। क्या बोला उन लोगों ने? मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरे गाँव के पटेल तक भी गाँव में मना कर दिया। पटेल ने मना कर दिया। अच्छा। बड़े बड़े लोग होने मना कर दे, जिनके पास हाली माली सब चलते है, तो वो बोले कि मेरा हाली नहीं आया, मेरे को दूध लगाना कि मेरे भैंस को भूसा डालना, यूं बोलने लग गया। उसके बाद फिर? उसके बाद हम वापस लौट आए घर। अच्छा। वापस लौटा तो मेरी बहन को मृत पाए हमने, और बस हमारा वो रोने गाने वाला काम चलने लगा। और थोड़ी देर बाद में 108 आई, फिर उसमें हमने खाते गाँव ले कर आए। खाते गाँव में पोस्टमार्टम नहीं करा। अच्छा। कन्नौद की रेफर कर दिया उन्होंने, कन्नौद ले जाते रहा। कन्नौद ले जाने के बाद में कि सुबह होगा पोस्टमार्टम, मैंने रात को भी बोला कि भैया पोस्टमार्टम अभी नहीं होता है तो हमको हमारी बॉडी दे दो, हम हमारी बहन को ले जाते रहेंगे। इसके बाद वो डॉक्टर बोले कि नहीं, अब थाना में रिपोर्ट होगी और ये होगा, दंत बंद होगा। अब हमको इतनी जानकारी, हम गरीब लोग इतने का। उसके बाद फिर रात भर ऐसे ही पड़े रहे, रात भर हम वहाँ पड़े रहे। और सुबह भी बोले कि 8 बजे पोस्टमार्टम कर देंगे, जिसके बाद में कि 12-1 बजे पोस्टमार्टम करे। 12 बजे भूखे प्यासे उनके पीछे 3 महिला और बेसुध हो गई वहाँ पर थी, जो भूखी प्यासी। अब बॉडी पड़ी तो उनकी बेटी की बॉडी पड़ी तो वो क्या खाना पीना खाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। इसके बाद भी ये डॉक्टरों ने इनकी भी मतलब पानी की वो करना है। अच्छा अच्छा, कितने बजे फिर दिया सब आप लोगों को? 1 बजे थी बॉडी। 1 बजे पोस्टमार्टम करके कल 8 बजे का गए थे शाम की घड़ी के।